पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कलयुग में माता पिता की सेवा जिसने भी कर ली वह सद्गुद्धि प्राप्त करता है। यह बात श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अपने प्रवचन में महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज एवं भागवत वक्ता पंडित मनोज मोहन शास्त्री ने कही। यदि माता पिता की सेवा पुत्र और पुत्र वधु नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो उन्हें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा दुनिया में नहीं। यह बात ब्रजमंडल की एकमात्र फलाहारी महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने मथुरा के शांति नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अपने प्रवचन में कही। वचन दिया था गर्भ में कि इससे हमें निकाल दे, हम तेरा ईश्वर का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तप करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन पैदा होते ही मोह माया में आके हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वचन भूल जाते हैं। उसका क्या परिणाम होता है कि हमें कई जन्मों तक कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। जिसको ध्यान रहता है वो ईश्वर को पाता है, वो ईश्वर को पाता है। जीवन का सबसे बड़ा सार है, आप देखिए, जिसने भी पाया है ईश्वर के नाम से और ईश्वर की भक्ति से ही पाया है। हमें करना क्या है? यहाँ माताएं बैठी हैं, बहुत अच्छी सब चीजें हैं। हमको एक दो मंत्र क्या है हमारे जीवन के सार के, कि सुबह प्रातः उठते ही, कथा की बात महाराज जी बताएंगे, मैं जीवन की बात बताता हूँ। प्रातः उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट, अपने कृष्ण, अपने बाकी गहरी को द्वारकाधीश को याद करें और क्या आज का सारा दिन प्रभु मैं तेरे लिए समर्पित करते हैं, हमसे कोई पाप और कोई भी गुनाह ना हो जाए, हम जो भी कुछ करेंगे तेरे लिए करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ठाकुर जी का जो भी भोग बनाना है उसके निमित्त बनाना है। बाजार भी जाना है ना, तो क्या कह के जाना है, ठाकुर जी तेरे लिए जा रहे हैं। माँ से आके बस इतनी तो कहना है अब हम आ गए हैं। बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, जाते हैं लौट के नहीं आते हैं, लेकिन जो ठाकुर से कह के जाते हैं वो सभी लौट के आते हैं। भागवत कथा में प्रमुख रूप से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत वक्ता पंडित मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि कलयुग में दान धर्म और सत्संग में हिस्सा लेने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और बताए दो, हमारे तंत्र सम्राट तो बैठे भाई बगल में फलाहारी बाबा, लेकिन मार्कंडेय पुराण में एक मंत्र है, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी। मैं पूरा ना बोलूं, वो जान करके महात्म्यम शमयेन मम, चल बोलता जा रहे हो। मार्कंडेय पुराण में या मंत्र के ताई मैंने रमन रे तिवारी महाराज जी के ताई निवेदन की, ओके महाराज जी कोरोना काल में, क्योंकि महाराज जी ने सड़क पार ना करी, मैं गया उनके पास में और उनके मैंने कही कि महाराज जी मैं यहाँ को जप कर रहे हूँ बराबर, तो बोलते कही बेटा जी कोरोना उपसर्ग तो है ही है और है ही कहा है। अब प्रश्न ये आवे का या उपसर्गान शेषांस्तु, या को जप कर भी तो कोरोना नहीं होगा? तो सुनो, मंत्रण ते हो क्या है, मंत्रण के द्वारा कोरोना नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। ये मंत्र आपके बुद्धि को, आपके चित्त को, जहां कोरोना है वहां पे आपके पैर बढ़नी ना, देखो घुमाए के ले जावे वो याते बची जाओ। जितने भी देवता हैं, मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्व, समस्त जो जगत है वो देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, यानी ब्राह्मण ही देवता है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ पर मौजूद बाल भागवत वक्ता पंडित आलोक चतुर्वेदी बैंकर ज्योतिषाचार्य ने कहा कि चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण द्वारा समाज को बताए मार्ग के संबंध में तत्व ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के विभिन्न अवतार और स्वरूपों ने देश दुनिया को अनेकानेक संदेश दिए हैं, जिनके माध्यम से हम गृहस्थ जीवन में नियमित संयम से रहकर सदमार्ग पर चलते हैं। यदि स्वार्थ, क्रोध, मोह, काम, वासना आदि का मार्ग मनुष्य अपनाता है तो उसे सदगति प्राप्त नहीं होती और वह भटकता रहता है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्म मनोरथ का उपस्थित श्रद्धालु भक्तों ने भक्तिभाव से कथा श्रवण कर पुण्य कमाया। नंदोत्सव के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद वितरित किया और एक दूसरे को बधाई।